हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस के स्टडी पॉइंट में। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने क्या किया था, पहली वीडियो में आपको आइडेंटिटीज दी थी, दूसरी वीडियो में आइडेंटिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, आज उन आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन से ऊपर हम आपको देने वाले हैं कुछ एडवांस क्वेश्चंस। ठीक है, उन एडवांस क्वेश्चंस के साथ आप अपना थोड़ा स्टैंडर्ड अप कर सकते हैं। ओके, तो समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 3 cot A = 4, तो चेक वेदर कि आपको ये वैल्यू इसके इक्वल है या नहीं, ये चेक करनी है। यानी कि दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं, ये वैल्यू हमें चेक करनी है किसके थ्रू, इस कॉट की वैल्यू के थ्रू। ओके, तो जो फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास वैल्यू है उसे सिंपल वे में लिख लेते हैं, cot A = 4/3, देन इसे ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए, ट्राइंगल में यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, हम मैंने बताया था आपको कि LAL KKA, ये आपको लर्न करना है। ये आपको लर्न करने के साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ SCT और यहाँ CSC होता है। ओके, तो जब हमारे पास कॉट है, क्या है कॉट, तो देखो टेन का यहाँ पे कॉट होता है, ये टेन का उल्टा कॉट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार हमारे पास ये हो गया और लंब हमारे पास ये हो गया। ओके, तो ये 4/3, यानी कि आधार हमारे पास 4 हो गया और लंब हमारे पास 3 हो गया, यानी कि हाइपोटेनियस नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है, एच नहीं है। तो बाई पाइथागोरस से हम इसे निकाल लेंगे, h² = p² + b² ओके, ये p है, क्या है, p है, तो p² + b², तो h² हमारे पास नहीं है, तो p हमारे पास क्या रहेगा, p हमारे पास 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर, तो ये h² हो गया, ये हो गया 9, ये हो गया 16, टोटल किया तो 25, और h का वैल्यू निकला 5। ओके, h का वैल्यू क्या आया, 5, तो मैं यहाँ h की जगह पे क्या रख लेता हूँ। अब देखो हमारी इक्वेशंस में जो वैल्यू है वो टेन की है, कॉस की है एंड साइन की है। टेन, कॉस और साइन की वैल्यू है और एक ही ट्रायंगल पर है, यानी किसी ए पर है, तो मैं इसे कह सकता हूँ ABC भी कह सकता हूँ, कोई बड़ा इशू नहीं है, ये ए रहेगा हमारे लिए। तो ए पर तीन वैल्यू है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ किस किस की मुझे वैल्यू चाहिए। देखिए, टेन ए की वैल्यू चाहिए, कॉस ए की वैल्यू चाहिए एंड साइन ए की वैल्यू चाहिए। ओके, तो अब मुझे देखना, टेन की वैल्यू सबसे पहले लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लंब बटे आधार। ओके, लंब बटे आधार, तो लंब हमारे पास क्या है, 3, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो 4 हो गया। ठीक है, कॉस की बात करेंगे हमें, तो आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारे पास क्या है, 4, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, 5। साइन का बात करूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हमारे पास क्या है, 5 और 3/5। ओके, तीनों वैल्यू हमें मिल चुकी हैं, क्या मिल चुकी हैं, तीनों वैल्यू हैं। अब इन तीनों वैल्यूओं को हमें इक्वेशंस में पुट करना है, सॉरी इक्वेशन में पुट करना है, और इक्वेशन को चेक करना है कि राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं है। ओके, ये चेक करना है, तो टेकिंग LHS, मैं यहाँ LHS लेता हूँ, टेकिंग LHS। ओके, तो मैं LHS जब ले रहा हूँ तो 1 - tan² A / 1 + tan² A, देखें 1 - tan² A, तो 1 - tan² A, तो टेन स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, टेन की वैल्यू क्या है, 3/4, तो मैं यहाँ स्क्वायर करूंगा तो 9/16 हो गया, ऐसे ही अपॉन में आएगा 1 + 9/16। जब मैंने इसे सॉल्व करूंगा तो देखो यहाँ आएगा 16 - 9/16, ऐसे ही आएगा यहाँ पे 16 + 9/16, 16 से 16 कैंसिल आउट। ओके, यहाँ बचेगा हमारे पास क्या, देखें 16 - 9/16 + 9, ठीक है, तो ये वैल्यू दोनों को सॉल्व करूंगा तो देखो यहाँ पे आएगा ऊपर, ऊपर इसमें माइनस करने वाला हूँ, तो 16 में से जब मैं 9 घटाऊंगा तो आपके पास वैल्यू क्या बचने वाली है, 7, नीचे क्या आएगा, 25, तो 7/25, ठीक है, LHS क्या है, 7/25 LHS हो गया, राइट ना। अभी मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ, यहाँ पे क्या देखने वाला हूँ कि RHS, RHS देखने वाला हूँ, RHS,
आरएचएस की इक्वेशन की बात करूं तो मेरे पास है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये वैल्यू है। तो मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं इसे। देखें कॉस स्क्वायर ए, कॉस की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये रही। तो 4 का स्क्वायर जैसे करूंगा तो 16/25 माइनस साइन का स्क्वायर करूंगा तो 9/25, क्लियर। दोनों का एलसीएम लिया 25, यहां आ गया 60 माइनस 9, यहां बचा 7/25, देन दोनों का आंसर क्या है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे भी एलएचएस की हम बात कर रहे थे तो 7.25 था, यहाँ पे आरएचएस की बात कर रहे थे तो 7.25, तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ओके, तो दोनों वैल्यू कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है, ये हमने चेक कर लिया है किसके थ्रू, कॉट की वैल्यू के थ्रू। डायरेक्टली भी चेक कर सकता था फॉर्मूलों से, बट क्या क्या फॉर्मूला का जो है स्टैंडर्ड थोड़ा अप हो जाता था, फिर आपको दिक्कत का इशू होता था, इस वजह से मैंने इसे कॉट की वैल्यू के थ्रू इसे सॉल्व किया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो टेन की वैल्यू दे रखी है, ए अपॉन बी, याद रखिए ए अपॉन बी टेन की वैल्यू है, और इसमें वैल्यू लगाकर, इस वैल्यू को लगाकर हमें किसकी वैल्यू बतानी है, इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू बतानी है। ओके, तो पहले हमें करना क्या है कि इस टेन की वैल्यू से हमें साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेनी है। तो मैं ट्राइंगल यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, वही एक बेसिक तरीका जो मैंने आपको बताया हुआ है पहले से, और यहाँ पे ये थीटा का काम करेगा, तो थीटा ए बी सी, क्लियर। ओके, यहाँ पर एल ए एल के, या आप ये भी लिख सकते हैं पी वी पी और एच एच वी, ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान अरावा। ओके, ये भी कर सकते हैं जैसा आपको सूटेबल लगे। तो मैं यहाँ देखने वाला हूँ, टेन है, टेन अपॉन ए तो लंबवत आधार होता है टेन, यहाँ पे पी अपॉन बी होता है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो जब मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करने वाला हूँ तो परपेंडिकुलर क्या रहेगा मेरे पास ए, और बेस क्या रहने वाला मेरे पास बी, क्लियर। अब मुझे हाइपोटेनियस चाहिएगा, हाइपोटेनियस हम जानते हैं कि देखो ये वाली पाइथागोरस, पाइथागोरस ये होती है, क्लियर, पाइथागोरस ये हो गई, तो एच चाहिए हमें, तो पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर दोनों को जोड़ लीजिए, तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस की बात करेंगे तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या निकली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर, ये वैल्यू आई। अब हमें किसकी चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए और साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, क्लियर। तो कॉस थीटा हम जानते हैं आधार वर्टिकल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस हमारे पास क्या है, बी अपॉन हाइपोटेनियस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही साइन की वैल्यू चाहिए तो लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण हमारे पास क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, और हमारे पास लंब क्या है ए, तो यहाँ पे ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों वैल्यू हमें साइन और कॉस की मिल चुकी है। देन मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो जो गिविन इक्वेशन है वो नोट डाउन करता हूँ पहले, गिविन इक्वेशन क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर, वैल्यू पुट करूंगा तो वैल्यू देखें हमारे पास क्या है, बी है कॉस थीटा की वैल्यू, बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाली है, प्लस ए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहां पर मैं देखने वाला हूं बी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। देखें जब मैं इन दोनों का एलसीएम लेने वाला हूं तो ये सेम आएगा, ये भी सेम आएगा, तो ये कुछ इस तरीके से होने वाला है, तो बी प्लस ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी माइनस ए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर, बी स्क्वायर इससे पूरा कट जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, बी प्लस ए और बी माइनस, दैट इज आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं, तो ये हमें टेन की वैल्यू दे रखी है, सेम क्वेश्चन है भाई, सेम बिल्कुल, जब हम देख रहे थे यहाँ पे तो प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, अभी हमने देखा है क्या, इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि इसमें हमने देखा था कि तीसरी वैल्यू जो है हमें ये वाली वैल्यू मिल रही, क्लियर, और साइन और कॉस की वैल्यू ये मिल रही थी, तो मैं यहीं से डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ कि कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू में क्या मिलने वाली है, साइन थीटा की वैल्यू मिलने वाली है, हमारे पास क्या थी साइन थीटा की वैल्यू, देखो यहाँ पे ये रही, ये वाली साइन थीटा की है, तो यहाँ पे मिलने वाली है हमें साइन थीटा की ए
अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिलने वाली है, बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब इस क्वेश्चन को इसमें वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करने के साथ साथ इसे हमें सॉल्व करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला काम विशेष आपको ये ध्यान रखना है कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए और किसमें पुट करनी है। ये अगर आपने सीख लिया तो क्वेश्चन हो गया, बड़ा आसान है क्वेश्चन करना। चलिए देखें, मैं टेकिंग एलएचएस, यहां से एलएचएस ले लेता हूं, टेकिंग एलएचएस, ठीक है। एलएचएस है हमारे पास ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, ओके, अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये ले लेते हैं। चलिए देखें, ए हमारे पास है ये, तो ए, अब साइन थीटा की वैल्यू जो हम देखेंगे तो ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ओके, माइनस बी, तो यहाँ कॉस की वैल्यू बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अपॉन होल कौन आएगा इसके नीचे, तो देखें ए इंटू ए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, प्लस बी इंटू बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। देन मैं यहाँ करने वाला ये हूँ कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके इसका एलसीएम लेने वाला हूँ। तो देखो ये इस तरीके से हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। नीचे जो आएगा वो आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर रूट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये आपको पता चल गया होगा ये कैसे आया, ये कुछ इस तरीके से आया कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके इसका एलसीएम ले लिया है, तो ये वैल्यू एक साथ आ जाएंगी अपॉन में ये आने वाला है, ठीक है। फोर स्टेप में ये रहेगा, डाउन वाले से डाउन वाला कट जाएगा ये वाला, ठीक है, और ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, तो यही हमें प्रूफ करना। ओके, सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगा दिया इसमें, ये आंसर रहेगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी। देखें sec थीटा इक्वल्स टू 13/5, तो इस वाली वैल्यू में हमें प्रूफ करना है कि 3 आना चाहिए, वही इसमें वैल्यू रखें। देखो हमें, मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन को पढ़कर ये पता लग जाए कि क्वेश्चन में करना क्या है, तो आसानी से आप कर पाएंगे। ओके, जब आपने मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन में देखा कि भाई मुझे ये वैल्यू दी गई है और मुझे ये वैल्यू निकालनी है और किसमें रखनी है किसमें रखनी है, तो आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखें हमारे पास सेक है, ठीक, तो मैं यहाँ ट्राइंगल बनाऊंगा, सबसे पहला काम ट्राइंगल का, और एक फॉर्मूला जो मैंने लिखा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, क्लियर। साइन कॉट टेन कॉट सेक कोसेक, क्लियर। तो अब हमें पता करना है सेक दे रखा है हमारे पास, भाई सेक दे रखा है तो सेक यहाँ होता है, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस दे रखा है, हाइपोटेनियस हमारे पास 13 है और बेस हमारे पास 5 है। अब बताइए किसी को भी डाउट हो तो, अब आपको पता लग गया होगा कि हमें करना क्या है। सबसे पहला काम परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम यहाँ देखेंगे एच स्क्वेयर बराबर पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। एच हमारे पास क्या है, 13, 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी कि 169, ओके। तो अब हमें पी देखा है, तो पी हमारे पास नहीं है, बेस हमने देखा 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, जब मैं इसे इधर लूंगा तो 160 25 माइनस कर दूंगा और पी स्क्वायर कर दूंगा। ओके, जब पी स्क्वायर करने के बाद मुझे यहाँ पर मिलेगा 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, जब मैं स्क्वायर निकालूंगा तो 12 आएगा, पी की वैल्यू क्या आ गई 12, तो मैं यहाँ लिखूंगा 12। अब मुझे क्या क्या चाहिए, देखो साइन की वैल्यू चाहिए, कॉस की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू निकाली, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 12 एच 13। कॉस की वैल्यू देखी, कॉस थीटा की वैल्यू देखी, तो कॉस की वैल्यू देखूंगा तो बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारे पास क्या है 5, हाइपोटेनियस 13, तो दोनों वैल्यू हमें मिल चुकी है, और इस इक्वेशन कर दीजिए आपका आंसर आपके पास होगा, ठीक है। इक्वेशन में यहां नोट डाउन कर लेता हूं, गिवन इक्वेशन, ओके, तो क्या है, 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। ओके, जब मैं इसमें वैल्यू पुट करने वाला हूं, 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 12 अपॉन 13 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 13, साइन और कॉस की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, 4 इंटू 12 अपॉन 13 माइनस 9 इंटू 5 अपॉन 13,
दोनों वैल्यू पुट करने के बाद मुझे पता लगा कि ये तो 25 24 हो गया, ये -15 हो गया, ये भी 13, ये भी 13, तो दोनों का एलसीएम 13 आ गया। क्लियर क्लियर। यहां 48 माइनस यहाँ पे 45 और यहाँ पे एलसीएम 13, 13 से 13 कैंसिल आउट। अब मैं चेक करने वाला हूँ, देखिए चेक जब मैं करूंगा तो यहाँ पे क्या आने वाला है, ये 14 में से ये गया तो 9, क्या बचेगा 15 गया, तो 24 सॉरी 24 से 15 गया तो 9, और यहाँ 84 में सॉरी 48 में से 45 गया तो आपके पास क्या बचा 3, क्या बचा 3, और ये तो हो गया, दैट इज आंसर, आखिरी आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ आसानी से आप इसे कर सकते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करने के साथ मुझे बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं उसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में जो है सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कोई भी इशू आता है वीडियो से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, माइक से रिलेटेड, मैंने सुना है माइक की वॉइस जो है क्लियर नहीं आ रही है, तो माइक में बहुत जल्द दूसरा चेंज करने वाला हूँ, तो आपको बिल्कुल आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो पेशेंस के साथ आप पढ़िए, रेगुलरिटी बनाइए और रेगुलरिटी के साथ ही क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक, देखें सेम वही क्वेश्चन है, बस उसमें 10 का यूज किया जाता है, यहाँ पे साइन का यूज कर दिया है, सेम वही प्रोसेस, बिल्कुल एक ही टाइप के क्वेश्चंस में आपको करा रहा हूँ, जिससे कि आप आसानी से कर सकें। और ध्यान रखना ये मेरे आरडी शर्मा की बुक से लिए हुए क्वेश्चन है, आरडी शर्मा की बुक से लिए हुए क्वेश्चन है, आप चाहें तो सेल्फ कर सकते हैं। आरडी शर्मा NCERT की बुक है, 10th स्टैंडर्ड, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, ये मेरी तरफ से सजेस्ट है आपको। और एक और है एस चंद, आपका एस चंद, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, जितने चाहे उतने कर सकते हैं, जो डाउट हो वो मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी है प्रोफेसर, जो भी आपको लगे कि सर ये डाउट वाला क्वेश्चन आप करा दीजिए, वो करा देंगे। आप मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस मैं आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ, पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ मेरे आपके जो है टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से मेरी जो सारी की सारी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जो चैनल का नेम है वो मैं आपको अभी दे देता हूँ, चैनल का नेम, ठीक है, चैनल का नेम मैं आपको यहाँ दे देता हूँ भाई, चैनल का नेम है मेरा OWE इंडिया, ठीक है, चैनल का नेम है OWE इंडिया, ठीक है, ये है टेलीग्राम, टेलीग्राम, ओके, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं मेरे हाथ से बनाए हुए क्वेश्चंस, तो ज्वाइन करिए इस चैनल को, ठीक है, और वीडियो की लिंक सारी की सारी उसी में प्रोवाइड आपको हो जाएगी। अभी मैं इसे जगह कम होने की वजह से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ये सारा का सारा, बट आप ध्यान रखें कि आपको यहाँ से सारा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। साइन की वैल्यू रखिए, ट्राइंगल बनाना है सबसे पहले, जब हम ट्राइंगल बना लेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि PBP HHP, HHP, ठीक है, ये है, हमें साइन यही आता है, साइन होता है P/H, तो P हमारे पास क्या है A, और H हमारे पास क्या है B, एक्सैक्ट, और हमें बेस चाहिए, क्या चाहिए, बेस चाहिए, कैपिटल B चाहिए, तो जब हम देख रहे हैं तो H² = P² + B² तो H हमारे पास क्या है B², P हमारे पास क्या है A², B हमारे पास क्या है कुछ नहीं है भैया, B निकालना, तो B² - A² = B², ठीक है, अंडर रूट में B² - A² = B, यानी कि बेस क्या आया आपके पास अंडर रूट में, बेस आया आपके पास अंडर रूट में B² - A², ओके। अब जब बेस हमारे पास ये आ ही चुका है तो sec और tan की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो sec थीटा, मैं जानता हूँ sec थीटा क्या होता है, sec आता है यहाँ पर जब हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास b, अपॉन बेस क्या है मेरे पास B² - A² ओके। दूसरा tan, tan थीटा की जब बात करूं तो p b है, सॉरी p/b क्या आएगा, p/b, तो p क्या है हमारे पास ए, ठीक है, अभी हमारे पास क्या है बी, हमारे पास क्या है बेस, भाई अभी निकाला है ऐसे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है ये हो गया।
क्लियर क्लियर। तो अब स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, देखें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी? इसकी निकालनी है sec थीटा प्लस tan थीटा। ओके, sec थीटा में tan थीटा को यहां नोट कर लेता हूं। sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा की जो वैल्यू है मेरे पास है b अपॉन अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a अपॉन अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर, ये दोनों वैल्यू हमें मिल चुकी हैं। एलसीएम लूंगा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आएगा बी प्लस ए। क्लियर, कोई डाउट? नो डाउट, तो दैट इज आंसर। अगर आप चाहें तो इसका अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम वैल्यू से, तो बहुत रेयर केस में होता है। इसे आगे करा दूंगा, वैसे यहीं छोड़ सकते हैं और आगे भी करना चाहें तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए आगे मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से करना। जो अंडर रूट की जो वैल्यू है सेम उसी से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ आपका आएगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा बी प्लस या ए प्लस बी या बी प्लस ए, और नीचे जो बचेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, शॉर्ट करा दे रहा हूँ, बहुत आता नहीं है वैसे, पर मैं यहाँ आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, नीचे वाली वैल्यू जो आप एक बार माइनस में एक बार प्लस में खुल जाएगी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्लियर, ए प्लस बी वाले से ए प्लस बी वाली वैल्यू कट जाएगी, तो आपकी जो वैल्यू बचेगी वो क्या रहेगी? अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, दैट इज आंसर। तो या तो आप इस तरीके से लिख लीजिए, या आप इस तरीके से लिख लीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं है, कहीं इसी तरीके से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन मैंने टॉप 5 क्वेश्चन छाटे थे आपके लिए, और ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। क्या है? ट्राइगोनोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज की पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने एक वीडियो बनाऊंगा छोटी सी, देन उसके बाद में उसकी एक्सरसाइज आपको कराऊंगा बारी बारी से, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, टेलीग्राम पर मेरा चैनल है इंडिया। ठीक है, और मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद जो आपका जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अपनी वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग।